बहुत बुरी तरीके से मूड खराब हुआ है मेरा। कहाँ मैंने क्या क्या प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने सब खराब कर दिया है। इनका डार्क नहीं है ज्यादा, जैसे हम वो नहीं खाते, वो चॉप जो लगे होते क्रंची से। भैया इसका नाम क्या है? ये फ्लेवर का, हाँ ये फ्लेवर में, वो तो मुझे लग रहा है वो क्रंच क्रंच से है ना, ये चॉकलेट फ्लेवर है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज नहा के बैठ चुकी हूँ और रेडी भी हो गई थी जाने के लिए मोनदी के संग मार्केट के लिए, पर सडनली दीदी का फ़ोन आया कि उनको जिया जी के संग जाना है बैंक। तो उन्होंने मुझे बोला है कि बैंक से अगर फ्री हो जाऊँगी तो मैं तुझे कॉल करूँगी। वैसे हम लोग जा रहे थे आज हरिनगर, जो बेड़ में पूरी खाई थी जहाँ पे, तो मैंने कहा लोग पूरी खाने चलते हैं। और फिर वहीं से मेरे को तिलक नगर में काम था, क्योंकि मैं एक लाइनर लेकर आई थी जो स्केच वाले चलते हैं, तो वो ना वो लेकर आई थी मैं 2 दिन पहले, और अभी वो यूज़ कर वहाँ तो चेक करा था तो बहुत अच्छा डार्क स्मूथ चल रहा था, बट अभी देख अभी जब मैं लगाने लगी, जैसे कि मैं नीचे लगाती हूँ, आईज के नीचे लगाती हूँ, ऊपर नहीं लगाती हूँ, ऊपर तो से मैं लिक्विड लाइनर लगाती हूँ, तो अभी लगाई रही थी तो वो चल ही नहीं रहा। तो मैं चलो वहाँ से फिर तिलक नगर मार्केट पर चली जाऊँगी, वहाँ से चेंज करवा लूँगी। ज़्यादा दिन तो जाएंगे ना तो फिर वो चेंज भी नहीं करते, और इससे तो पटरी से ले लो तो वो ज़्यादा दिन चल जाते हैं, दुकान से लो ना वही चीज़ ख़राब निकलती है, और ये सूख भी जाते हैं अगर उनको खोल कर रखो तो सूख जाते। तो गाइस अब देखो मैं बैठ गई हूँ, कभी सोचती हूँ कि दिन दिन में जाके ब्लॉग बना लूँ, जल्दी टाइम से निकल जाऊँ, फटाफट घर पे आ जाऊँ, वो होता ही नहीं है। और अब टाइम हो रहा है, अब देखते हैं क्या करना है। फिर बैठ गए तो मैं सोचा क्या करूँ, ब्लॉग ही शुरू कर लेती हूँ यहाँ से, और बस अगर दीदी का कॉल आता है टाइम से आता है, वैसे बोला है जनकपुरी जा रही हूँ, अगर तू जाना वहाँ जा, पर मैं क्या करूँगी जिया जी के संग, मतलब आप करके आ जाओ बैंक के काम में, मैं क्या कर सकती हूँ वहाँ पे, तो आप लोग कर लो, जब फ्री हो जाओगे तो मुझे बता देना। तो बस गाइस बोर हो रही थी तो मैंने चलो आपसे बात ही कर लूँ देर, तो देखती हूँ क्या होता है, पता लग ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीदी गई हुई है, मतलब बोल रही थी कि बैंक जा रही हूँ, और वो गई नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत देर हो गई, मैं बोर हो रही थी, अब मैंने उनको फ़ोन किया है तो दिखा देती हूँ वो क्या कर रही हूँ। वो कोई बैंक वैंक नहीं गई है, झूठी। गाइस ये देखो, ये वीडियो कॉल पे बात चल रही है और घर की सब्जी पक रही है, तो ये हम आधे घंटे से वीडियो कॉल पे तो लगी हुई हूँ मैं, और मैं इनको बता रही हूँ कि तुमने आज मेरा मूड कितनी बुरी तरीके से ख़राब करा है। बहुत बुरी तरीके से मूड ख़राब हुआ है मेरा। कहाँ मैंने क्या क्या प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने सब खराब कर दिया है। इनका घर की रोटी ख़त्म नहीं होती। हाँ कुछ कहना चाहोगी? आने से दुखी मैं भाई, बड़ा वाला है। इनका सुबह शाम 3 टाइम भी तो रोटी की टेंशन है, और बच्चे खाते नहीं है। उस दिन भी जब मैं घर गई थी सब ऐसे सो गए थे स्नैक्स खा के, बस बनानी होती है इनको रोटी। अब कितनी देर में फ्री होगी? आवाज कट रही है तुम्हारी, तो अभी कह रही है कि मैं खाना वाना बना लेती हूँ फिर चलते हैं। आधा घंटा है कर लो। गाइस दीदी दिखाई दिया आपको कि मैं ऐसे लेट हमारे को क्यों हो जाती है, यही रीजन है कि अगर मैं जिस दिन नहा के जल्दी बैठ जाती हूँ तो इनको लेट होती है, और जिस दिन ये जल्दी रेडी होती है मेरे को फ़ोन करती है तो फिर मुझे मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे शाम तक जल्दी आना होता है, क्योंकि राज महाशय के अभी खाना बनाना होता है। तो ये हम दोनों का प्रॉब्लम है, इसलिए कभी कभार ब्लॉक भी रह जाते हैं और कभी कभार हम लोग लेट हो जाते हैं, जल्दी हो जाती है तो भी। तो गाइस मैं हो गई रेडी और मैंने पहन लिया कुछ इस तरीके का सूट, मैंने ले लिया गर्म सूट है, और इस पर डाल लिया मैंने स्वेटर, और बस मैं ले रही चुन्नी और जा रही हूँ, दीदी का कॉल आ गया और मैं निकल रही हूँ। तो गाइस मैं टर्मिनल पे आ चुकी हूँ, मुझे बहुत देर हो गई, 15 मिनट हो गए वेट करते करते, दीदी आई नहीं अभी तक, ये देख पा रहे हो आप लोग कितनी देर हो गई मुझे खड़े खड़े, और स्वेटर उतार दिया था तो मैं अभी धूप निकल रही है तो उसने स्वेटर उतार दिया, अभी स्वेटर बाद में पहनूंगी ठंड लगेगी तो। गाइस दीदी आ चुकी है, बैठी रिक्शा में नकाब वाली औरत। तो गाइस आ गए हम लोग तिलक नगर के मार्केट, और ये अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है, एक मिनट चेक कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों धीरे धीरे लग रहा है, बट ठीक है आ गई हूँ। और मैं जा रही हूँ शॉप पे जहाँ पे मुझे लाइनर चेंज करवाना था, और दीदी साथ में मेरे, और चेंज करवाने जा रही हूँ, उसके बाद हम कुछ खाएंगे, मुझे भूख लग रही है, सुबह एक रोटी खाई हुई मैंने, ये तो खाकर आई होंगे ना, खाकर आई हो? हाँ 2 रोटी खाई थी सुबह पास, ठीक है तो मैं ही खाऊंगी अकेली। हाँ मैं शॉप पे आ गई हूँ, लिया था इन्होंने चल नहीं रहा तो चेंज कराने आए। चेंज
करवा लिया है। मुझे वैसे पसंद नहीं आ रहा था, मेरा मन था वैसे स्केच वाला लूँ, पर कोई बात नहीं है वो स्केची तो है। अरे है तो सही, वो जैसा वो चाहिए था ना वो नहीं था, ठीक है ले लिया। क्योंकि वो कह रहा था वापस नहीं, मतलब पैसे वापस तो मिलेंगे नहीं, तो ठीक है लेना पड़ा, चेंज भी नहीं करूँगा। हाँ और दोबारा कहता आपके बार होगा तो चेंज भी नहीं करूँगा, तो ले लिया। अब दुकान से अभी लेती मैं ऐसी चीज, ऐसी दुकान से लेती, तो चलो थोड़ा मार्केट घूम लिया जाए। गाइस ये 100-100 की सेल लगी हुई है यहाँ पे, सेल 100 रुपये। तो गाइज यहाँ पे टिक्की वगैरह है, बट आज मेरे को राम लड्डू खाने थे पर बिना मिर्ची नहीं है, मिर्ची वड़ा जो होता है वो नहीं है, तो मैं नहीं खा रही हूँ अभी। मैं आगे दुकान वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ से देखूंगी। और ये मार्केट का लुक है कुछ, और आज है बुधवार, तो वैसे तो मंगलवार को बंद होती है, हमें पटरी लगती है, बाकी बाहर जो दुकानें वगैरह वो सब बंद है। और हो नहीं सकता, मिर्ची वड़ा भी है ना, मिर्चा वड़ा करते करते राम लड्डू। और भी कुछ नहीं, नहीं अभी नहीं बोल पड़ी। खा लो आज तो मार्केट में हर जगह ना गरम सूट, अब तो हर जगह गरम सूट। और ये वाला सूट मैं ले चुकी, वैसे सेल ही सेल है। दीदी ने गोलगप्पे खाए गाइस, और मेरा ना मिर्ची वड़े से ना पेट वो मुंह जल गया था बहुत ज़बरदस्त, तो मैंने खा ली सी पापड़ी लिया। नहीं अरे नहीं भाई, तो मैंने ये लिए तीनों मिक्स करा लिए, टेस्टी टेस्टी से क्रंच वगैरह फ्राई करते हैं, जैसे हम वो नहीं खाते वो चॉप जो लगे होते क्रंची से। हाँ भैया इसका नाम क्या है, ये लग रहा फ्लेवर का ये। हाँ ये फ्लेवर में वो तो मुझे लग रहा है वो क्रंच क्रंच से है ना, ये चॉकलेट फ्लेवर है। और ये वाला खा लेना, मैंने मीठा खाया फीका है हल्का सा मीठा है। ये कौन सा है फिर, बेकरी वाले बिस्किट, इधर सारी नमकीन है, थोड़ा बहुत लिया है, अगले देखो कितनी सारी नमकीन ले ली है। अरे थोड़ी थोड़ी लिए 33 रुपए की, कई वैरायटी होगी ना, थोड़ी थोड़ी क्यों ज़्यादा ज़्यादा ले लेती, पहले टेस्ट करेंगे अच्छी लगेगी तो दोबारा ले लेंगे। सूट ही सूट है गाइस, ये वाले सूट बहुत हर जगह मिल रहे हैं हर जगह, और ये मैं ले चुकी हूँ कुछ इस टाइप के हैं। तो गाइस मार्केट आई तो मैं दीदी को बोल रही हूँ नेल पेंट भी ले ही लेती हूँ, तो वही ढूंढ रहे हैं हम लोग नेल पेंट की शॉप। भैया स्केच वाला लाइनर दिखाना, कितने का है ये? डार्क नहीं है ज्यादा, ये लिया ना मैंने तो गाइज मैंने तो लिया वहाँ से शॉप से, और देखो मैंने ना यही वाला लिया था जब लास्ट टाइम लिया था, ये बहुत अच्छा है। भैया ने 100 का बोला पर 80 का लगाया भैया ने, है ना भैया 80 का लगाया था आपने, तो ये देख लो पटरियों से ले लो तो चल जाती चीजें। पीछो 100 रुपीस, ठीक है गर्म भी है दीदी अंदर से, पर है भी बहुत है। तो मार्केट से हमने जो मान लिया, घर की तरफ, और दीदी घर नहीं जा रही, मैंने बोला है घर चलो पर वो मना कर रही है, मैं यूं ही आती रहती हूँ, ये जाके भागती रहती है। हाँ तो क्योंकि क्राउड होता है, स्कूटी भी स्कूटी साइड में होती है, ना चाहकर भी जो लेना था मतलब स्केच ले लिया, दीदी ने भी एक दिला दिया क्योंकि नीचे अच्छा लगता है, ऊपर काजल लगाते हैं। और एक मैंने ना वो जो लॉन्ग वाला था जैकेट वो ले लिया, वो बहुत सस्ता मिल गया था। और आपने के लिए बस नमकीन वही, हाँ वो जो नमकीन वगैरह लिया है। हाँ अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तब तक के लिए बाय।